फिरोजाबाद में तहसील सदर फिरोजाबाद में मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। वादकारियों और बैनामा कराने वाले काश्तकारों की मोटरसाइकिलों का जमावड़ा आम जनमानस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ये स्थिति न केवल आम रास्ते को बाधित कर रही है बल्कि राहगीरों के लिए असुविधा और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा रही है। इस समस्या को लेकर 19 नवंबर 2024 के दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया था। संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समाधान निकालने का प्रयास किया गया लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच बातचीत की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन इसकी कोई पहल नहीं की गई है। स्थानीय नागरिकों ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जिला अधिकारी से मांग की है कि तहसील सदर के मुख्य मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं। जनता ने जिला प्रशासन से इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपील की है ताकि आम जनता को सुगम और सुरक्षित मार्ग की सुविधा मिल सके। नाम है आपका? चरण सिंह यादव, एडवोकेट, अध्यक्ष तहसीलवाद कोजावा। अभी आपने जो ज्ञापन दिया वो किस संबंध में ज्ञापन दिया? देखिए, एक तो टूला में कई दिन से शिकायत चल रही है एसडीएम टूला तहसीलदार टूला के खिलाफ। उनकी कार्य प्रणाली से टूला तहसील में इतना रोष है अधिवक्ताओं में, लेकिन कई दिनों से उनकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इवन दो कल से तो उन्होंने ये किया है कि बिना अधिवक्ता को ही मुकदमे खारिज करना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने हमसे समर्थन मांगा था तो एक तो उनके समर्थन में आज हम न्याय कार्य से व्रत हैं। दूसरा, हमने ज्ञापन दिया है तहसील सदर में ये पूरा रोड पे है जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं इनकी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं की है प्रशासन ने। हमने कई बार मांग भी की है कि इसकी कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, ठेका उठाया जाए। एसपी साहब के निवास के पीछे काफ़ी जगह है तो उसके संबंध में हमने ये ज्ञापन दिया है और वो आज तो अभी बने दिया है। आगे यहाँ के अधिकारियों का भी रवैया कुछ ऐसा है कि हो सकता है आगे हमें इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का कदम उठाना पड़े।